करेंगे। राहुल और प्रतीक, संदीप पाटिल थोड़ा फास्ट आना है आपको। आज की शाम का ये आखिरी मुकाबला शुरू होने जा रहा है, एक और कांटे की लड़ाई यहाँ पर शुरू होने जा रही है। रिग्नेश एलेवन ने पिछला मैच उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जीता था, दत्ता स्मृति सुरई को शिकस्त दी थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टीम है दूसरी रूहानी इंटरप्राइजेस, वो अपना पहला मैच खेल रही है इस टूर्नामेंट में। खेल की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है। पहली गेंद का सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन प्रतीक, और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक पर है राहुल। पहले ओवर में सौराज गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए अपने स्टेप में चुके हैं सौराज। एक और ये बेहतरीन मुकाबला शुरू होने जा रहा है अब यहां पर। पहली गेंद वहां पर देखना है, कट कर दिया गेंद को, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज ने, सिंगल की मदद से स्ट्राइक को रोटेट किया और अपना खाता भी खोला है बल्लेबाज प्रतीक ने। आर्यन ट्रॉफी 2024 बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट, आज का पहला दिन इस टूर्नामेंट का और आखिरी मुकाबला ये चलता हुआ फोर्स कर दिया। इस बार देखना है कॉक कॉर्नर की दिशा में, वहां पर अच्छी फील्डिंग रही और सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। हालांकि डायरेक्ट थ्रो रहा था वहां पर। मंदार वहां पर मौजूद थे, दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल सिंगल से अपना खाता खोला है। सैंडी पाटिल एक बार फिर से हमारे कमेंट्री बॉक्स में, वेलकम, आपका स्वागत है। बहुत ज्यादा वहां पर गेंद की लाइन से अपने आप को अलग कर दिया था बल्लेबाज ने। तो पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है असौराजी द्वारा। ये देखिए किस तरह से गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, बहुत ज्यादा बाहर निकल गए थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस ओवर में। पहले ओवर में एक शानदार मुकाबला ये चलता हुआ, पुल कर दिया इस बार वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन एलिवेशन नहीं मिला है। अलोंग द ग्राउंड गेंद जाती हुई, थोड़ा सा फंबल भी हुआ और इसका फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है बल्लेबाजों ने। दो रन इस बार आ जाएंगे स्कोर में, दो रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है चार पर। कल इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन रहेगा और पहला जो मैच रहेगा वो ओम साई टेमगर और हर्षित इलेवन बादोल के बीच में, ये कल का पहला मैच रहेगा। 8:30 बजे दोनों टीमें आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पर फिर से सफल होकर गेंद को खेल दिया है, देखना है लॉन्ग लेग से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया और इसी बीच बल्लेबाजों ने इस बार सिंगल ही रन पूरा किया है। तो एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। कल का पहला मैच ओमसाई टेमगर और हर्षित इलेवन अब भादौड़ के बीच में कल का पहला मैच। कल दूसरा मैच जो रहेगा वो प्रांशी इलेवन और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में। कल का तीसरा मैच हम देखें जीटी इंटरप्राइजेस और स्वयं इलेवन भिवंडी। तो कल के दिन भी जो है 10 मैचेस खिलाए जाएंगे और 14 टीमें कल खेलेंगी, टोटल 10 मैच कल के दिन भी रहेंगे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं सिर्फ 5। अच्छी गेंदबाजी रही है सौराज की, बल्लेबाजों को पहले ओवर में पूरी तरीके से बांध कर रखा था, हालांकि विकेट नहीं मिला उनको, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन रही है। सिर्फ 5 रन खर्च किए अपने ओवर में, लेकिन प्रतीक और राहुल अभी भी वहां पर मौजूद है, ये अच्छी बात है रिग्नेश इलेवन के लिए। और अब ओवर नंबर 2 में आएंगे गेंदबाजी के लिए, अर्जुन को बुलाया गया है। अर्जुन गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहली गेंद वहां पर पुल कर दिया गेंद को, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और विकेट गिरता हुआ।
पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया वहां पर गेंदबाज अर्जुन ने और बैट्समैन प्रतीक आउट होकर वापस जाते हुए स्ट्रोक अच्छा लगाया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन बिल्कुल फ्लैट ये स्ट्रोक खेला था, बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रोक नहीं खेला था। अगर हाई स्ट्रोक खेलते तो फिर शायद गेंद बाउंड्री के बाहर जाती, लेकिन यहाँ पर अब बल्लेबाज बाउंड्री के बाहर जाते हुए ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर प्रतीक, ये पहला विकेट गिरा है रिग्नेश इलेवन रहनाल का। नए बल्लेबाज अब आते हुए टीम के कैप्टन, थोड़ा खेल को फास्ट भी करना होगा यशराज, यशराज नए बल्लेबाज टीम के कैप्टन है, देखना है कि कैप्टन नॉक खेलते हैं या नहीं। वैसे तो यशराज की जो फिल्में रहती है वो काफी हिट रहती है, लेकिन ये यशराज क्या हिट होंगे ये देखने वाली बात रहेगी। दोनों खिलाड़ी काफी वक्त लेते हुए, लेकिन बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेना है आप लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे जो है अब सूरज डूबता हुआ। खेल की शुरुआत एक बार फिर से यशराज अपने आप को तैयार करते हुए बल्लेबाजी के लिए, ने इरादों को जाहिर किया है बल्लेबाज ने कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, वो किस मूड में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। कमाल का स्ट्रोक सिक्सर से अपना खाता खोलते हुए और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 11 पर। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था वहां पर गेंदबाज अर्जुन ने, लेकिन अगली गेंद के ऊपर एक गजब का स्ट्रोक लगाया है। ओवर नंबर दो का ये खेल चलता है, पहले ओवर में जो गेंदबाजी रही थी जिसमें रन आए थे सिर्फ 5 रन बनाए गए थे, लेकिन इस ओवर में 6 रन। वाइड गेंद इस बार रही है, दिशाहीन गेंदबाजी अब यहां पर 4 रनों के लिए। अब बल्ले से लगी है गेंद, एम्पायर का ये कहना है बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा है, लेकिन मौका भी था वहां पर विकेट कीपर के पास। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है बिल्कुल बल्ले के अंदर लगी थी और विकेट कीपर से क्या छूटी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। एक और अच्छी गेंद, इस बार जड़ में गेंदबाजी रही थी, खदेड़ कर मारना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज यश। अच्छी गेंदबाजी अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही हमें देखने को मिल रही है, और दो बेहतरीन टीमें जब खेलती है तो क्रिकेट इसी तरह का देखने को मिलता है, कभी बल्लेबाज जो गेंदबाज के ऊपर हैवी हो जाते हैं तो कभी गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हो जाते हैं। अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता है और दर्शक भी चाहते हैं कि इसी तरह का मुकाबला उन्हें देखने को मिले। फुल टॉस गेंद इस बार रही है, लेकिन देखना फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद का, मिड ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया, लेकिन सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर, सिंगल की मदद से स्कोर आगे की तरफ पहुंचता हुआ। देखने एम्पायर का कोई अब तक इशारा नहीं आया, कोई सिग्नल नहीं आया है एम्पायर का, तो सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर और स्कोर 17 पर। फोर्स किया इस बार, लेकिन खिलाड़ी टीम में मौजूद है, आउट हो जाएंगे बैट्समैन राहुल। तो ये दूसरा विकेट गिरा है अब यहां पर रिग्नेश इलेवन का। ये देखिए किस तरह से वहां पर फोर्सिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्ग ऑन पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, एक कमाल का कैच पकड़ते हुए राहुल की पारी का अंत होता हुआ। आउट होने से पहले सिर्फ एक ही रन बनाए उन्होंने, 3 गेंदों का सामना करते हुए सिंगल रन बनाए है। इस ओवर में 2 विकेट भी हासिल की है अर्जुन ने, पहली गेंद के ऊपर भी विकेट उनको मिला था और लास्ट गेंद के ऊपर भी विकेट हासिल किया है उन्होंने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बनाया गया है 17, पहले ओवर में 5 और इस ओवर में 12, लेकिन इस ओवर की खास बात ये रही थी कि इस ओवर में 2 अहम विकेट हासिल किए दोनों जो ओपनर बल्लेबाज थे प्रतीक और राहुल, दोनों को डगआउट की तरफ वापस भेजा है, लेकिन अभी भी वहां पर यश राज मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यश 4 गेंदों का सामना करते हुए 11 पर बैटिंग कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए अब नए बैट्समैन आए हैं सुशांत, विकेट कीपर बैट्समैन है सुशांत, बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं वो, लेकिन अब देखना है कि पहले जो काम उनके पास दिया गया है वो पहले बल्लेबाजी का काम दिया गया है। विघ्नेश तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए विघ्नेश को बुलाया गया है, पहले 2 ओवर में दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, 17 रन खर्च किए, 2 विकेटें भी हासिल हुई है, अब देखना है कि विघ्नेश
जो तीसरा ओवर लेकर आएंगे, किस तरह से गेंदबाजी रहेंगी? थोड़ा शांत क्रिकेट भी देखने को मिल रहा है। स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। बल्लेबाज जो है वो वाइड गेंद की मांग कर रहा है और जो विकेट कीपर है वो विकेट की मांग कर रहे हैं, क्या बात है। लेकिन एम्पायर जो है वो अपनी जगह पर है, टच से मस नहीं हुए एम्पायर। लाज ऑफ एम्पायरिंग भी देखने को मिली है संदेश आज के दिन। और हमारे तीनों एम्पायरों ने कमाल की एम्पायरिंग की है, लारा, संजय पाटिल और भी हमारे एक अन्य एम्पायर है जिनका नाम अब तक हमारे पास नहीं आया, राहुल पाटिल, मैन फ्रॉम कोमलपाड़ा। देखना है वहां पर अपील एक बार फिर से की गई थी लेग बाय के रूप में, ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 18 पर स्कोर, ओवर नंबर 3 का ये खेल चल रहा है। एक बड़ा अपसेट भी हमको देखने को मिला पिछले मैच में, हार्दिका इंटरप्राइजेस से टूर्नामेंट से बाहर हो गई जो चैंपियन टीम थी एमजे ट्रॉफी की। लेकिन अब देखना है कि एक और चैंपियन टीम रिग्नेश इलेवन भी जो है एक चैंपियन टीम इस साल उन्होंने एक टूर्नामेंट जीता है सिटी मर्जिंग का, और उसी बीच वहां पर देखना है इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है। लेकिन आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो भी खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक खेल रहा है वो आउट हो रहा है। तो एक बार फिर से वहां पर देखना है विकेट गिरा है और बैट्समैन, ये तीसरा विकेट गिरा है, नए बल्लेबाज अब आए हैं अकरन। विकेट हासिल की वहां पर गेंदबाज विघ्नेश ने। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, काफी रफ्तार भी देखने को मिली इस बार वहां पर गेंदबाज विघ्नेश द्वारा। ये देखिए आड़े बल्ले से गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया और ये डॉट गेंद। अब उतने रन नहीं जोड़ पा रहे विघ्नेश इलेवन के बल्लेबाज, क्योंकि तीसरा ओवर भी अब खत्म होने की कगार पर और 3 विकेट गिर चुकी है, 18 पर स्कोर रुका हुआ है। लेकिन फिर से वहां पर देखना है लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेला है, फिर से वही खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये खिलाड़ी गलती नहीं कर रहा है, दो बेहतरीन कैचेस पकड़ते हुए। बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि बड़े हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपना खाता नहीं खोल पा रहे। इससे पहले भी जो बैट्समैन आउट हुए थे वो भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे, सुशांत और अब करण, वो भी शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए। मौसम जो है अब धीरे धीरे सर्द होता जा रहा है। अब देखना है कि ये सर्द मौसम में क्या गर्म मुकाबला देखने को हमें मिलेगा। हालांकि अभी सिक्के का एक पहलू हम देख रहे हैं, पहली इनिंग देख रहे हैं, सिक्के का दूसरा पहलू अभी देखना बाकी है। रूहानी इंटरप्राइजेस की बैटिंग अभी बाकी है, अभी तो उनकी गेंदबाजी हम देख रहे हैं और गेंदबाज अपना काम यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। 4 विकेट गिर चुकी है, रन अब तक जो बनाए गए सिर्फ 18 ही रन बने हैं और नए बल्लेबाज अब आए हैं भावेश। शांत क्रिकेट देखने को मिल रहा है, अब उतनी तेजी से रन नहीं बन पा रहे हैं। भावेश अपनी पारी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज विघ्नेश का। अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है विघ्नेश की, आते साथ वहां पर देखना है बड़ा हिट लगाने की कोशिश, फिर से खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये तीसरा कैच पकड़ा है वहां पर लॉन्ग रन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। भावेश कमाल के कैचेस पकड़ते हुए, क्या बात है, बैट्समैन भी भावेश और जिसने कैच पकड़ा वो भी भावेश। लेकिन विकेट यहां पर गिरा है और ये पांचवा अब विकेट गिर चुका है। अब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है विघ्नेश इलेवन रहानाल,
क्योंकि पांच बल्लेबाज आउट हो चुकी है, तीन ओवर का खेल भी खत्म हो चुका है और स्कोर हम देखें तो सिर्फ अब तक 18 ही रन बने हैं। नए बल्लेबाज अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए, मनीष पाटिल मैन फ्रॉम टेम्बेवली, खेल को शुरू करना है और लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे कौशल। कौशल को कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, जिस तरह से पहले तीन ओवर में तीनों गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, ये ओवर में भी कौशल को उसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो रिग्नेश इलेवन के जो बल्लेबाज है अब उनको यहाँ पर बल हेड की तरफ जाना होगा, क्योंकि तीन ओवर की समाप्ति पर जो रन बनाए गए 18 गेंदें फेंकी गई जिसमें उतने ही रन भी बने, लेकिन अब यहाँ से रनों की तरफ जाना होगा बल्लेबाजों को। और क्षमता है दोनों बल्लेबाजों के अंदर, मनीष पाटिल जो है एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, ग्रामीण क्रिकेट में हम हमेशा देखते हैं कि टेम्बोली के लिए वो अच्छा खेलते हैं। और यशराज जो अच्छी बल्लेबाजी करे, एक सिक्सर एक बाउंड्री लगाई उन्होंने, पिछला ओवर जो रहा था वो मेडन विकेट मेडन ओवर रहा था, तीन विकेट हासिल की थी और सिर्फ जो रन आया था लेग बाय का, देखिए लेग बाय का जो रन रहता है वो गेंदबाज के खाते में नहीं जाता है, तो ये मेडन ओवर रहा है उसका गेंदबाज विघ्नेश का। इस टूर्नामेंट का ये पहला मेडन ओवर भी हमें देखने को मिला है। ओहो आते ही साथ वहां पर विकेट हासिल कर लिया गेंदबाज ने, पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज कौशल, आउट हो गए बैट्समैन यशराज। काफी देर से पिछले ओवर में तो पूरी तरीके से नॉन स्ट्राइक पर खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे थे कि किस तरह से उनके साथी खिलाड़ी आ रहे और जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा जब आप कोई खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहता है तो जो सबर का पैमाना रहता है फिर वो फट जाता है, वही देखने को मिला है संदेश के इस बार पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की और अपना विकेट गंवा दिया है। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यश, लेकिन लास्ट ओवर की जो पहली गेंद थी वहाँ पर उनका विकेट गया है। तीन बैट्समैन जो है वो जीरो पर आउट हुए है। नए बैट्समैन बाय है बल्लेबाजी के लिए गणेश पाटिल मैन फ्रॉम काटाई। अब देखना है कि पांच गेंदें यहां पर बची हुई है किस तरह से खेल रहता है। बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद वाइट, देखिए एक लाइन बनी हुई है, अगर एक चीज पर अगर आप गौर करेंगे तो जो हमारे शेलार है वो मिटपाड़ा के मैं खाड़ी पार का हूँ, बैट्समैन काटाई की है, टेम्बोली के मनीष है, बिल्कुल एक ही लाइन में है सब, लेकिन वाइट गेंद रही है इसी बीच। इस ओवर की ये दूसरी वाइट गेंद रही है। बहुत ज्यादा वहां पर बल्लेबाज बाहर निकल गए थे और घूम कर मारना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बैट्समैन, लेकिन लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। देखिए कल का जो पहला मैच रहेगा दोनों टीमें, ठीक 8:30 बजे आपको यहां पर रिपोर्ट करना है, ओम साई टेमगर और हर्षित 11 भादौड़, ये दोनों टीमें ठीक 8:30 बजे आपको यहां पर रिपोर्ट करना है, क्योंकि पहला मैच आपका ही रहेगा। अगर आप यूट्यूब पर हमारी आवाज सुन रहे तो प्लीज कल ठीक 8:30 बजे आप लोगों को यहाँ पर आना होगा, ओम साई टेमगर और हर्षित 11 भादौड़, क्योंकि कल के दिन भी जो है 10 मैचेस रहेंगे और कल के सभी 10 मैच खिलाए जाएंगे, ये ऑर्गेनाइजिंग टीम का कहना है। आज हम सिर्फ 9 मैच कंप्लीट कर रहे हैं, एक मैच हमारा पेंडिंग में रहेगा, उसका कारण ये है कि आज जो हमारा शेड्यूल था उसे थोड़ा सा लेट हम चल रहे, उसका कारण एक ये भी है कि जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी रही थी वो थोड़ा सा हमने लेट की है, लेकिन कल ठीक 8:30 बजे ये दोनों टीमें आपको आना होगा। लगातार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप्स के बाहर गेंदों को रखते हुए वहां पर गेंदबाज, ये तीसरी वाइड गेंद की है कौशल ने, पहली गेंद के ऊपर विकेट, उसके बाद लगातार 2 वाइड गेंदें, फिर लेग बाय का एक सिंगल रन, फिर डॉट गेंद, फिर से वाइट।
बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन ने, लेकिन सही तरीके से गेंद को बल्ले पर नहीं ले पाए। बल्ले का लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है। ओहो, देखना है क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पर गणेश ने। फ्रंट फुट को आगे निकालकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया है। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा फुल टॉस ये गेंद रही थी, फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस गेंद को खेल दिया और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 29 पर स्कोर। तो एक गेंद और अब बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। कौशल 9 रन अब तक खर्च किए, कौशल ने एक विकेट भी हासिल किया है। उन्होंने पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा था। अब देखना है कि अगली जो गेंद रहेगी वो किस प्रकार की उनकी गेंद रहेगी। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने, सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। डबल की कोशिश की लेकिन विकेट भी गिरेगा तो 1 रन और 1 विकेट। पहली इनिंग का खेल खत्म हो चुका है और पहले बैटिंग करते हुए रिग्नेश 11 रहलान ने रन बनाए हैं। 30 और 31 का टारगेट रहेगा अब यहां पर। रोहानी इंटरप्राइजेस मालोड़ी के सामने 31-31 का टारगेट रहेगा। ये देखिए आर्यन 11 की पूरी टीम को दिखाया जा रहा है। आज पहला मुकाबला जहां पर वो अपना पहला ही मैच हार गए हैं और ये कई बार हमें देखने को मिलता है जो ऑर्गेनाइजिंग टीम रहती है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। टूर्नामेंट को एडजस्ट करते जिस तरह से टूर्नामेंट की तैयारी करती है करते तो जो ऑर्गेनाइजिंग टीम रही थी उनको उतना वक्त नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने का, वही कारण रहता है कई बार हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग टीम पहले या दूसरे मैच में ढील। और साथ में दीपेश नाइक, पूरी आर्यन की टीम है। देखिए विजय पाटिल जो है साई बाबा जो ग्राउंड है वहाँ पर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। जब भी मैं वहाँ पर कमेंट्री के जाता हूँ तो एक अर्धशतक जरूर लगाते हैं। पिछले हफ्ते भी जब हम वहाँ पर कमेंट्री कर रहे थे और विजय पाटिल ने एक अर्धशतक लगाया था वहाँ पर। ये देखिए कल किस तरह से मैचेस रहेंगे, कल के क्या काम रहेगा, किसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही। और ये फोकस मैन चंद्रकांत जोशी भी एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। हरी जोशी, जॉर्ज बैली ऑफ भिवंडी, ये सोनिया को दिखाया जा रहा है। दीपेश नाइक, तो दोस्तों ये सब कुछ तो चलता रहेगा। विजय पाटिल ये कल की तैयारी करते हुए कि कल कौन से मेहमान हमारे साथ रहेंगे, कल कौन सी टीमें रहेंगी। लौट चलते हैं आर्यन ट्रॉफी की ये खूबसूरत दुनिया में, जहाँ पर दो बेहतरीन टीमें खेल रही है, रिग्नेश 11 और रोहानी इंटरप्राइजेस। पहले बैटिंग की है रिग्नेश 11 रहनाल ने और 30 रन बनाए, 31 का टारगेट है रोहानी इंटरप्राइजेस मालोनी के सामने। खेल की शुरुआत होने जा रही, सेकंड इनिंग की शुरुआत होने जा रही है और कॉमेंट्री में अब आने जा रहे है भेवंडीकर, जो लगातार हम देख रहे हैं 2004 से इस ग्राउंड पर और भिवंडी के कोने कोने में और भिवंडी के बाहर भी बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री करते हैं भिवंडीकर के नाम से जाने जाने वाले संदेश पाटिल। थैंक यू सो मच मजर खान। या आपण पाहू शकता काही दिवसानंतर मशाच्या जत्रेमध्ये नवीन खरेदी होणार आहे। दीपेश नाईक मालक दाखवले जात आहेत, लवकरच नवीन खरेदी, छकड्याचा भरपूर वेळ आहे। हे आपण पाहू शकता टॉस बॉक्स, आर्यन चषक 2024 चा टॉस बॉक्स तुम्हाला दाखवला जात आहे। आमची A1 जोडी आर्यन आणि त्यांचे पिताश्री देखील दाखवले जात आहेत आणि ही निमंत्रण पत्रिका जी आहे आर्यन 11 चषकाची आपण पाहतोय टीव्ही मॉनिटरवर दाखवली जात आहे प्रिन्स म्यूस यांच्या माध्यमातून। हा टॉस बॉक्स पुन्हा एकदा आणि माजी आमदार सन्माननीय रुपेशदादा म्हात्रे तसेच लॉयन ऑफ भिवंडी संजयभाई म्हात्रे यांची प्रतिमा तुम्हाला पाहायला मिळते। बॅनर्स दाखवले जात आहेत, सुंदर शेट नाईक, रणजित नाईक साहेब आणि मनोहरदादा जोशी यांना दाखवलं जात आहे, देवेंद्र नाईक,
सचिन तरे, योगेश तरे आणि जयदत्त जुकर आणि तसे जर निलेश जोशी, सचिन नाईक आणि जय नाईक यांना दाखवलं जात आहे. थँक यू सो मच मजर खान, आमचे रजा घेत आहेत. उद्या देखील पुन्हा एकदा त्यांचा आवाज ऐकायला मिळेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. शेवटचा मॅच आहे, शेवटचा हा डाव इनिंग, शेवटची बाकी आहे. धावा बनवायच्या आहेत, तब्बल 31 धावा बनवायच्या आहेत. संध्याकाळ थंडगार हवा सुटली आहे, थंडी में गर्मी का एहसास, कडक मॅच नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल. मुकुल आणि मंदार ही जोडी खेळपट्टीवर आलेली आहे मालोडी संघाच्या माध्यमातून. स्ट्राईकवर मंदार आहे तर नो स्ट्राईकला मुकुल आहे. पाहूया, रस्ते देखील मोकळे आहेत, कोणते स्ट्रोक पाहायला मिळतील मुकुल याच्या माध्यमातून. गोलंदाज तयारी करतोय, फ्रंटलाईन गोलंदाज राहुल तरे गोलंदाज सज्ज होत आहे. 31 धावा डिफेन्स करायचे आहेत रिग्नेश इलेवाना राहणार टीम संघाला. पाहूया कोणत्या प्रकारची गोलंदाजी होत आहे. पहिला चेंडू घेऊन श्यामने गेलेली एन कडून राहुल तरे. पहिला चेंडू भरपूर वेगाने गती निर्माण केली आहे पहिल्या चेंडू राहुलने. स्विंग अँड मिस, चांगली गोलंदाजीला सुरुवात इथे केली आहे राहुल तरे याच्या माध्यमातून. पहिला चेंडू डॉट, चांगला क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळते आर्यन चषक 2024 या स्पर्धेमध्ये. पाचवा वर्ष या स्पर्धेचं अगदी टाटामाटाने संपन्न होत आहे. ऑन साइडला खेळायचं होतं, ब्लँक स्विंग, रनाची संधी आहे आणि ते परतीचा प्रवास करावा लागेल फलंदाज. मंदार इज अ बॅक टू डग आउट, बडा झटका लागतावा. मोठं मासं गळाला लागलेलं आहे इथे राहणार टीम संघासाठी. हे रिप्लेमध्ये दाखवलं जात आहे. अगोदरच पूल करायचं होतं स्ट्रोकला, मात्र विकेट किपर पहा किती चांगला क्रिकेट त्याचा पाहायला मिळाला. हिट न करता सरळ घेऊन चेंडू गेला आणि एस्टाना लावला गेलाय. त्याला माहिती आहे जर लागलं नाही तर संपूर्ण या मॅचचा खर्च आपल्या अंगावर येईल. विकेट फार महत्वाचं होतं, विकेट मिळालं इथे. नवीन फलंदाज रुपेश, टीमचे ओनर मैदानाच्या आतमध्ये. रुपेश काटे एक जबरदस्त क्रिकेटर, टीमचे संघ मालक. आता टीम थोडीसा बॅकफूटवर आले, पहिल्या दोन चेंडूवर एक विकेट देखील गमवला गेलाय. हवा फार थंडगार सुटली आहे, गुलाबी महिना, थंडीचा महिना आहे. राहुल तरे राईट आर्म ओव्हर द विकेट, सामने गॅलरी इन कडून. शेवटच्या षटकापर्यंत नक्कीच रंगेल हा मॅच. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, हा चेंडू समोर खेळलाय, फॉलो थ्रो मध्ये चेंडूला अडवला गेलाय. चेंडू हातामध्ये मिळाला असता तर कदाचित डायरेक्ट हिट होताना आपण बघितलं असतं. एक धाव कंप्लीट, रुपेशचं खातं खोललं जात आहे. धाव संख्या एक, विकेट गमावला एक. रुपेश काटे टीमचे संघ मालक, सध्या नो स्ट्राईक क्षेत्रामध्ये. मालोडी संघ आणि राणा संघामध्ये ही मॅच सुरू आहे सध्याच्या घडीला. सिटी इमर्जिंग क्रिकेट पाहता मित्रांनो, आर्यन चषक 2024. राहुल तरे राईट आर्म ओव्हर द विकेट, खेळण्याकरिता मुकुल सज्ज आहे खेळपट्टीवर. ओ हो, सूर्यकुमार यादव बनले होते या चेंडूवर. मात्र हा चेंडू कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हरवर जर खेळला असता तर कदाचित चांगल्या धावा मिळाल्या असत्या. पल्ली स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न ऑफ स्टंपच्या चेंडूला पिकअप केला होता. रिप्लेमध्ये दाखवला जात आहे कोणत्या प्रकारे हा स्ट्रोक खेळण्यात आला होता. सोडून दिला असता तर वाईट मिळाला असता. धाव मिळाली आहे, धावा दोन धावा धावपलकावर. 31 धावा बनवायच्या आहेत आणि थोडीशी आता ताकद कमी पडली गेली इथे बॅटिंग करणाऱ्या संघाच्या माध्यमातून. रुपेश बॅटची एज घेतली आहे डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, सुस्तीभरी थ्रो आपण बघितला. क्विक थ्रो जर गेला असता तर कदाचित एस्टॅनवर लागलं असतं. इथून आता स्ट्राईक मिळते फलंदाज मुकुलला, जो एक चेंडूमध्ये एक धाव बनवली आपल्या संघाकरिता. धावा तीन धावा धाव पलकावर. अब कह सकते यहां से मुकुल उतरना पड़ेगा मैफिल में दोबारा. मोठे फटके अनावेश लागतील, दोन मोठे फटके मॅचमध्ये पूर्ण मजबूत पकड निर्माण होईल. यावेळी टॉप एज मागच्या बाजूने खाली क्षेत्रामध्ये चेंडू निघून जातोय, येतोय सीमापार चौकार.
वेलकम विश्वजीत नाईक। संध्याकाळ म्हटलं की या ग्राउंडवर सर्वच खेळाडू गावातील उपस्थित असतात सरावासाठी। आता स्पर्धा सुरू आहे आणि आजचा पहिला दिवस आहे, थोडासा शेड्यूल जो आहे उशिराने झालं आणि त्याकरिता आपण पाहतोय शेवटच्या टप्प्यामध्ये हा मॅच आलाय। तर चौकार आलाय संघर्षानंतर, पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली आहे, धावा धाव पलकावर लागल्यात। सात धावा, फिल्डिंग लावायचं आहे, रिग्नेश इलेव्हन राहणार टीम। टीम मीटिंग करू नका आपण अजिबात, कारण की दोन्ही संघ आमच्यासाठी खूप खास आहेत। गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, सोम आलाय दुसरं षटक टाकण्याकरिता। किती धावा रोखवेल या षटकामध्ये सोहम, कानमंत्र काय दिलंय पाहूया। मुकुलने टीमचे ओनर रुपेश काटे याला पाहूया किती धावा आपल्या संघासाठी बनवेल। जास्त नाहीये, 31 धावा बनवायचे आहेत। गोलंदाज सज्ज होत आहे सोहम, राईट आर्म ओव्हर द विकेट लॉंग रनअप ने हा चेंडू कट केलाय, गॅप मध्ये खेळलाय, पॉइंट वर क्षेत्रक्षेत्र तैनात आहे, गली रिजन मध्ये हा चेंडू गेला आणि एक सिंगल धाव कंप्लीट केला। सेन्सिबल क्रिकेट, शांतता क्रिकेट रुपेश काटे याच्या माध्यमातून। रुपेश संधी देत आहे, संधी दिली आहे रुपेशने खेळण्याची मालोडी टीम संघाला, कारण की जेव्हा संधी मिळते तर संधीचं सोनं करणं गरजेचं आहे। जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली चमकण्याचा प्रयत्न नक्कीच करा आपल्या टीमच्या ओनरला। आता ओनरने सिंगल धाव घेऊन आपल्याला संधी दिल्या, तर संधीचं सोनं मुकुल कोणत्या प्रकारे करते पाहूया आपण। ऑन साइडला खेळायचं होतं, बॅटर व्यवस्थित रीती आल्या नाहीये, एक धाव तर जारी आहे, दुसरा धाव मिळेल का भरपूर वेगाने, दुसरी धाव मिळणार नाहीये। रुपेश काटेचा विकेट, अजून एक धक्का दिला इथे टीम मालोडी संघाला राणार टीम संघाने। डीजे मॅन घरची जाण्याची तयारी करते की काय, पॅकअप सुरू झालं एका बाजूने डीजे दीपेचं आणि समोर माझा लंगोटी यार उमेश नाईक, वेलकम। धाव संख्या 9 आणि 2 विकेट विश्वजीत नाईक, आणि विश्वजीत नाईकच्या बाजूला हर्षल पाटील गग्गा। एकविराच्या पालखीमध्ये गग्गा याने जबरदस्त कामगिरी केली होती, ब्रॉस बँड वादक आहेत ते। उद्या पहिला सामना आहे आर्षित इलेव्हन बादवड संघाचा, योगेश गुळवे फॅम टीम, दोन मेंबर्स तर पोहोचलेले आहेत आताच, सकाळी 8:30 वाजता रिपोर्ट करायची आहे। ओ हो, स्विंग अँड मिस, क्या बात आहे, स्विंगिंग यॉर्कर चेंडू सर क्रीज बॉक्समध्ये पडला जात आहे, डॉट चेंडू, नाखुश आहे विकेट किपर, पाहूया रिप्ले पाहूया काय दाखवत आहे ना, अगदी चांगला चेंडू आहे, चांगली लेंथ लाईन आहे। गोलंदाजी चांगली होते, पहा रनअप किती मोठा आहे, उमेश नाईकच्या रनअपहून जास्त रनअप घेतलेला आहे। राईट आर्म ओव्हर द विकेटने वेगवान गतीचा हा चेंडू, बॅटची एच, एच अँड गॉन विकेट। अजून एक धक्का दिलेला आहे इथे गोलंदाजाने, बॅटची एज आणि विकेट किपर पहा, सेलिब्रेशन सुरू झालं मैदानामध्ये। मुकुल मैदानाच्या बाहेर जाताना आपल्या पाहतो डगाड मध्ये, तर टीमचे कॅप्टन आलेले आहेत, स्वप्नील आलाय टीमचे कॅप्टन, आता कॅप्टन नॉक खेळावाच लागेल। संध्याकाळ झाली आहे, थंडी आवाज सुटली आहे, थंडी में गर्मी का एहसास दिला ती टीम राहणार, बेहतरीन क्रिकेट अब तक, 9 रन बने 3 विकेट, 31 रन बनाने हैं। संपूर्ण जगभरामध्ये 22 तारखेला दीपावली साजरी होणार आहे। समीकरण 14 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता आहे, 14 चेंडू आणि 22 धावा, प्रत्येकी चेंडू सस्पेंड आहे या स्पर्धेचा,
प्रत्येक चेंडू महत्त्वाचा आहे राणा टीम संघासाठी, प्रत्येक धाव महत्त्वाची आहे मालोडी टीम संघासाठी। गोलंदाज लॉन्ग रनअप ने पुन्हा एकदा, ओहो अजून एक चांगला चेंडू आहे, स्विंग एंड मिस, कड़क गोलंदाजी, ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाती हुई है गेंदबाजी, रफ्तार भरी गेंदबाजी, काय वेग आहे या गोलंदाजाकडे, आयुष्यात पुढे जाऊ शकतो गोलंदाज। पुन्हा एकदा राइट आर्म ओ द विकेट ने, हवा जितकी वेगाने ठंडी सुटली ना तितक्याच वेगाने गोलंदाजी होत आहे। पुन्हा एकदा वेग वाढवला, बॅटची एज घेतलाय गणेश पाटील, काय फिल्डिंग पाहायला मिळत आहे, तीन धाबा वाचवल्या गेल्यात गणेश पाटीलच्या माध्यमातून, महत्वाच्या धाबा वाचवलेल्या आहेत गणेशने। षटक कंप्लीट, दोन षटकाची समाप्ती, धाबा धाव फलकावर होत आहेत, त्या म्हणजेच 10-3 विकेट्स गमवलेले आहेत मालोडी टीम संघाने। रिप्ले पहा, रिप्ले मध्ये दाखवला जात आहे पूर्णपणे झोकून दिला होता गणेशने आणि हा चेंडू आडून आला होता त्याच्या माध्यमातून। मागच्या KPL काटी प्रीमियर लीग मध्ये गणेश पाटील नावाचा खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळाला असेल, तोच गणेश सध्या रिग्नेश इलेव्हन राणा टीम संघासाठी खेळत आहे। 12 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता आहे, 12 गेंदू 21 रन, 12 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता आहे। टीम मीटिंग सुरू झाली आहे, पुन्हा एकदा मी विनंती करेल की आपण शत्ररक्षण त्वरित लावून घ्यायचं, जास्त वेळ घेऊ नका आपण। 12 चेंडू आणि 21 धावा, 21 हा आकडा खूप लकी आहे प्रत्येकी संघासाठी आणि प्रत्येक हिंदूसाठी, कारण की प्रत्येक संकष्टीला गणपती बाप्पाला 21 मोदकांचा नैवेद्य आपण नक्कीच दाखवत असतो। हा तो आकडा आला आता, 12 चेंडूमध्ये त्या 21 धाबा बनवायचे आहेत। उद्याच्या दिवसाची तयारी देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून, पहिला मॅच ओमसाई टेमघर आणि हर्षित इलेव्हन भादवड यामध्ये चांगली फाईट तुम्हाला उद्या सकाळचा पहिला सामना पाहायला मिळेल। कुर्णाल आलाय, कुर्णाल याच्याकडे चांगली गोलंदाजी आहे, कुर्णालला लेन टू लाईन पकडावी लागेल आणि कॅप्टन इथून एकच सांगेल, टीम जेव्हा अडचणीमध्ये असतो ना, सेना जेव्हा अडचणीमध्ये असतो तर टीमचा सेनापती नक्कीच अडचण दूर करतोय। 12 चेंडू 21 धावा, कुर्णाल राईट आर्म ओ द विकेट लॉन्ग रनअप ने, या गोलंदाजाचा देखील रनअप 30 सर्कलच्या बाहेरून आहे, मोठा रनअप घेतलाय, ओहो तितक्याच वेगाने हा ऑफ स्टंप चेंडू आहे, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट झाला असता तर विकेट मिळाला असता आणि विकेट कोणाचा तर भावेचा मिळाला असता, क्या बात आहे, पूर्णपणे 4 झाली आहे टीम रिग्नेश इलेव्हन राणाल टीम, चांगला क्रिकेट खेळताना तुम्हाला पाहायला मिळत आहे। 11 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता आहे, प्रत्येकी धावसाठी धावतायत दोन्ही फलंदाज, फार महत्वाच्या धावा आहेत, 31 धावा डिफेन्स करायचे आहेत राणा टीम संघाला आणि चांगला क्वालिटी क्रिकेट इथे पाहायला मिळत आहे। प्रताप शेठ पाटील यांचा संघ तुम्ही पाहताय, राणा टीम खेळताना एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला रुपेश काटे यांचा संघ आहे व्हाईट शरभ बंधनच्या माध्यमातून, रुहान इलेव्हन मालोडी टीम खेळताना तुम्हाला पाहायला मिळत आहे। आ एक्स्ट्रा धावा आली आहे, धावपलकावर धावा होत आहेत, त्या म्हणजेचा 12 धावा 12 loss of 3 विकेट, 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई टीम मालोडी। कुर्णाल गोलंदाज राइट आर्म ओ द विकेट, समोर फलंदाज सज्ज आहे, ऑन साइड ला खेळाचं होतं, ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू, व्हाईटचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून, नो आर्ग्युमेंट्स प्लीज, पंच आपण आपल्या जागेवर जायचं आहे, जो निर्णय दिला तो अंतिम आहे, जास्त वेळ नाहीये, फार वेळ कमी आहे। ऑफ स्टंपची जी व्हाईटची पट्टी आहे त्याच्या बाहेरून चेंडू आला होता, चांगला निर्णय पंचांच्या माध्यमातून, संजय पाटील पंचांच्या भूमिकेमध्ये, संजय पाटील राहुल पाटील आणि लारा हे तीन पंच असे आहेत की भिवंडी नव्हे, जवार वाडा पनवेल रायगड या शापूर या परिसरामध्ये देखील या पंचन आम्ही बघितलं आहे पंचांच्या भूमिकेमध्ये। स्विच इट पल्टी स्ट्रोक खेळायचं होतं, बॅटवर आला नाहीये, टॉट चेंडू, कम बॅक करताना गोलंदाज कुर्णाल, क्या वाद है, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे। रिप्ले पाहतो तो आपण, स्विच इट पल्टी स्ट्रोक खेळायचं होतं, नाराज होतंय फलंदाज बावेश, बॅटवर आला नाही आहे चेंडू, डगआउटमध्ये थोडीशी शांतता आहे, वादलापूर्वी नक्कीच येणारी ही शांतता असावी, एखादा षटकार आला तर डगआउटमध्ये टाळ्यांचा आवाज नक्कीच ऐकायला मिळेल, मात्र शांतता आहे। टीमचे ओनर देखील रुपेश काटे,
राटा मूव द विकेट हा चेंडू सोडून दिलाय पुन्हा टाकावा लागेल व्हाइट षडपंचांच्या माध्यमातून एक्स्ट्रा धाव स्कोरबोर्ड लागली जाते धावा धावपळकार होत आहेत 14 धावा 14 लक्ष्य 31 धावांचं आहे मैच रंगली गेली आहे ठंडी में गर्मी का एहसास कड़क मैच चलता हुआ आज के दिन का आखिरी मुकाबला आज का आखिरी दिन किसके आखिरी मुकाबला किसके नाम गोलंदाज पुनः एकदा ऑन साइड ला कैच होता टॉप एज विकेट कीपर अजून एक धक्का टीम मालोडी संघाला कमांडी जे दीपेश चोवीस चेंडू मध्ये 31 धावा बनवायच्या होत्या एक मोठा फटका मॅच फिनिश करू शकतो हे मी पहिल्या चेंडूपासून सांगितलं होतं मात्र प्रत्येकी चेंडू ऑन साईट मात्र टेनिस क्रिकेट बॉल जेव्हा आपण खेळतो तेव्हा सेन्सिबल क्रिकेट देखील खेळणं गरजेचं आहे कारण की क्रिकेटमध्ये सिंगल डबलला फार महत्त्व असतो हे तुम्ही मागच्या मॅचमध्ये बघितलं असेल जार्ली स्पोर्ट्स संघाने तो सामना जिंकला होता इक्वेशन पहा आमचे टेक्निकल प्रिन्सिपल सांगत आहेत 10 चेंडू आणि 17 कोणत्या संघावर खतरा आहे येणारे या षटकामध्ये कळेलच 9 चेंडू बाकी आहेत सॉरी 9 चेंडू बाकी आहेत गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट कुणाल पुन्हा एकदा महत्वाचा षटक टाकताना आपल्या संघासाठी ओ हो हो अजून वेग वाढवला गेलाय डॉट चेंडू स्विंग अँड मिस क्या बात आहे सर्व क्रेडिट आता कुणालला जातोय या मॅचमध्ये काय गोलंदाजी केली आहे व्हाईट देखील टाकलंय विकेट देखील महत्वाचा मिळालाय आणि दबाव इथे पाहायला मिळतोय मालोड टीम संघावर मालोड टीमचा 12वा खेळाडू देखील आता थंडगार झाला एकदम गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट कुणाल पुन्हा एकदा सोडून दिलाय हा चेंडू चांगला आहे दाखवतोय पंच जी व्हाईटची पट्टी आहे त्याच्या आतमधून इन कटर शार्प इन कटर हे पाहू शकता रिप्ले मध्ये ओ हो हो चांगला निर्णय पंचाच्या माध्यमातून क्या बात आहे क्वालिटी पंचांची इथे तुम्हाला पाहायला मिळते दबाव दबाव का असतो आता ते फलंदाजांनाच विचारावा लागेल कारण की बॅटवर देखील चेंडू येत नाही आहे सिच्युएशन भरपूर गरम आहे ओ बैठक स्ट्रोक खेळायचा होता बॅटवर आला नाहीये मूड नाहीये कप्तानचं मूड नाहीये धाव घेण्याचं आता येणारे चेंडू 6 आणि विजयासाठी धावा पाजेल त्या म्हणजे 17 6 गेंदे 17 रन 6 चेंडू आणि 17 धावा क्या बात आहे टीम मीटिंग अजिबात नको गणेश प्लीज टीम मीटिंग अजिबात नकोय फिल्डिंग लगेच लावायचं अथवा पॅनलाइज केलं जाईल ऑर्गनाइज कमिटीच्या सूचना येत आहेत एक ही तो दिल है कितनी बार तोड़ोगे आता स्ट्राइक वर कप्तान आहेत कर्णधार स्वप्निल टीम चे कॅप्टन आहेत आता हाताला माती वगैरे लावली गेली आहे वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक नेहमी जेव्हा हाताला माती लावल्यानंतर लगेच षटकार त्यांचा पाहायला मिळतोय पाहूया षटकार पाहायला मिळेल का आम्हाला देखील मात्र गोलंदाजीमध्ये हे देखील विसरून चालणार नाहीये काटी एक्सप्रेस गणेश पाटील फर्स्ट वॉर्निंग दिले पंचाने गणेश दुसरी ऑर्गनाइज कमिटीकडून आणि तिसरी डायरेक्ट पॅनलाइज असेल लक्ष असू द्या 6 गेंदे 17 रन ये मुकाबला अब रंगता हुआ गरम होता हुआ या मुकाबला गेंदबाजी में परिवर्तन काटी के मशहूर गेंदबाज काटी एक्सप्रेस गणेश पाटील की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से पटकी गेंद सामने खेला गेंद को फील्डर गेंद के नीचे और ये बड़ा झटका लगता हुआ टीम के कप्तान का विकेट मिलता हुआ स्वप्निल बैक टू डगआउट
चमकदार भरी गेंद की थी, सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते हो, स्टैंड डिलीवर करना चाहते हो, लेकिन बेहतरीन कैच, रनिंग कैच वहां पर पहली सफलता गणेश के नाम, बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई अब। क्या बात है, जिस तरह केपीएल समाप्त हुआ था उस केपीएल में बेस्ट बॉलर बने थे गणेश पाटिल, और वहां से पीछे देखा नहीं उन्होंने, अच्छी गेंदबाजी की हर टूर्नामेंट में। अब मेरे करण अर्जुन आएंगे, अर्जुन आए तो हैं लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, पल्टी स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर, पहले से ही सीधे ब्लेड से रन नहीं आ रहे और उसमें ये स्ट्रोक सरदर्द बन सकता है। लेग बैक का इशारा था अंपायर द्वारा, चार गेंदे 16 रन, एक सिक्सर मैच गर्म कर सकता है, एक लंबा स्ट्रोक मैच गर्म कर सकता है, मैच बन सकता है, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। गेंदबाज गणेश अगली गेंद लेकर सामने गैलरी से रफ्तार भरी गेंदबाजी हो रही है गणेश की, काफी बड़ा रफ्तार था इस गेंद के पीछे, गेंद खेल दिया गली में, फील्डर है वहां पर, एक रन बना, दूसरा रन नहीं मिलेगा आपको, एक ही रन इस गेंद के ऊपर। अब आने वाले तीन गेंदों में 15 रन चाहिए, तीन गेंदों को बाहर मारना है, यदि दो भी मारते तो फिर आखिरी गेंद पर संघर्ष करना होगा बल्लेबाजों को। ब्लैक लाइट में यह मुकाबला हो रहा है, 6:08 होना चाहते लेकिन टूर्नामेंट का पैसा उसूल मुकाबले सभी आज दिन भर, लेकिन निराश किया आर्यन इलेवन ने हमेशा की तरह। अगली गेंद लेकर गणेश पाटिल राइट अमोर द विकेट, फिर से एक बार बढ़िया गेंद और एक सफलता गणेश पाटिल के नाम। आइए डीजे दीपेश। तीसरा रन डिफेंस करने जा रही है टीम रिग्नेश इलेवन रानाल टीम, क्या गेंदबाजी हो रही है। 2017 और 18 में जो पेस था वही पेस आज दिखाई दे रहा है गणेश पाटिल का, काफी संघर्ष किया उन्होंने लॉकडाउन में, क्रिकेट से काफी दूर थे वो, अनफिट भी थे, अब पूरी तरह फिट होकर फिर से एक बार टेनिस क्रिकेट बॉल में उन्होंने वेलकम किया है और बेहतरीन गेंदबाजी भी की है, पिछले तीन या चार टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार रफ्तार भरी गेंदबाजी हो रही है गणेश पाटिल की ओर से, बाबिश आए नए बल्लेबाज, स्विच इट पल्टी स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर, ट्वेल्समैन भी अभी खड़े हो चुके दोनों ही टीम के, और एक बैटर है जो निकलेश शेलार नाम से है, उन्हों को मौका मिला था लेकिन उन्होंने कहा कि यंग स्टार को आगे जाना जरूरी है, यह अच्छी सोच है जब आप। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार गणेश, आखिरी गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, ये कहां थे बल्लेबाज, छुपा कर रखे थे इस बल्लेबाज को, अब इस मैच को जीत लिया रिग्नेश इलेवन राणा टीम ने। कांग्रेचुलेशन टीम के ओनर प्रताप शेठ पाटिल, कांग्रेचुलेशन टीम के कैप्टन गणेश पाटिल और टीम हार्ड लक टीम हार्ड लक मालोडी टीम, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा यहाँ पर रिग्नेश इलेवन टीम के ओनर रिग्नेश पाटिल इनकी टीम है, और अब मैन ऑफ द मैच रहेंगे गेंदबाज। ये लो स्कोरिंग का मुकाबला था जहां पर रन कम बने थे, गेंदबाजी अच्छी हुई थी लेकिन रन नहीं बना पाई टीम मालोडी, लेकिन रिग्नेश इलेवन ने अच्छी गेंदबाजी